देवेंद्र बताओ, देवेंद्र मुझे एक प्रॉमिस किया था तुमने जाने से पहले, याद है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बच्चों को लेकर के जाना है। सबसे पहले तो सर, बेटी ने मेरे को ये बोला है कि सर को मेरा नमस्कार बोलना, जिया ने, तो आपको नमस्कार सर। बेटी को आशीर्वाद दीजिए हमारा। बिल्कुल सर, 2004 के अंदर मैं एथेंस पैरालंपिक्स में गया था, एक कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम में। सर मैंने लंबा पैरा स्पोर्ट्स किया, 19 साल हो गए इंडिया टीम में। 2004 में जब गया था तो मैं खुद के पैसे लगा करके गया था, और वो पैसे कैसे मैनेज किए आज बताऊंगा, वो दिल की बात। वो मेरी माँ के गहने बेच के गया था। तो मुझे आज खुशी इस बात की है कि जब मैं वहां गोल्ड मेडल लिया 4 में, फिर 16 में लिया, और मेरा सर हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि ओलंपिक मेडल लो, मेरा थोड़ा सा अलग सपना था, ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाऊं। तो उस हैट्रिक बनाई मैंने, उसमें कामयाब हुआ उस मिशन में, और मुझे बहुत खुशी है कि देश के लिए मैंने हैट्रिक बनाई है मेडल की। सर मैंने एक बात कहना चाहूंगा कि जो जाने से पहले आपने जो हमें मोटिवेट किया, परिवार के साथ बात की आपने, हमें बताया कि आपको बस खेल के आना है, विशेष तौर पे मेरे से तो आपने बात करके कहा कि आप पे शायद प्रेशर भी बनाते होंगे, आपका मेडल आ जाएगा। सर ऐसा है, उसमें आपने जो हौसला दिया उसी हौसले के साथ टोक्यो पहुंचे हम, और टोक्यो में पहुंचने के बाद उसी हौसले से ग्राउंड में पहुंचे, और उसी हौसले से हमने तो थ्रो किया, और उसी हौसले से हमने मेडल जीता। तो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि जो सुविधाएं थी, आज भी मुझे याद है 2004 में मैंने पूछा कि ये जो एक खिलाड़ी के पीछे 3 कौन है, तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि मेरा कोच तो साथ गया नहीं था, कि एक के पीछे 3, एक कोच होता है, एक फिजियो होता है, और एक फिटनेस ट्रेनर होता है। तो सर वो मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन आज मेरे साथ एक फिजियो था, एक फिटनेस ट्रेनर था, और एक कोच था। तो रियल में ही ये बदलता हुआ भारत है।